है इसका, ए ई सी एन जी. नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू स्ट्राइक द स्ट्रिंग. लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन स्ट्राइक द स्ट्रिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब हम स्ट्राइक ही करेंगे तभी तो हमें साउंड आएगा. और स्ट्राइक करने के पहले हमने अभी क्या किया, स्ट्राइक करने के पहले हमने अभी क्या किया, हमारे यूकेलेले को ट्यून किया. सो जिनके पास भी यूकेलेले, प्लीज अगर आप रोज यूकेलेले यूज करते हो या जब भी यूज करते हो उसके पहले ट्यून चेक करना है, ट्यूनिंग चेक करनी है. जब आपने ट्यूनिंग चेक कर ली, सो देखो मैंने, अगर मैं बात करूं, मैं लास्ट स्ट्रिंग को स्ट्राइक करने की, वी ऑलवेज काउंट फ्रॉम द बॉटम साइड. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, इज फोर्थ स्ट्रिंग. एंड जब हमने इसको स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में किया तब इसका नाम है ए ई सी जी, ये याद रखना है आपको. देन अगर मैं लास्ट स्ट्रिंग को स्ट्राइक कर रहा हूं तो मैं थंब से कर रहा हूँ, राइट. मैं इस फिंगर से नहीं कर रहा, इंडेक्स फिंगर से नहीं कर रहा, मैं थंब यूज कर रहा हूँ. और मैं थंब का कौन सा पार्ट यूज कर रहा हूँ, ये पार्ट यूज कर रहा हूँ, ना कि मैं नेल से बजा रहा हूं. मैं ऐसे नेल से, नाखूनों से नहीं बजा रहा हूं. मैं क्या पार्ट यूज कर रहा हूं, देखो, मैं सिंपल ऐसे स्ट्राइक कर रहा हूं. थर्ड स्ट्रिंग के लिए भी सेम. हम कभी भी ये लाल ऊपर की जो दो स्ट्रिंग्स, मीन स्ट्रिंग नंबर फोर, स्ट्रिंग नंबर थ्री, इसको किससे स्ट्राइक करते हैं, इसके लिए हम थंब यूज करते हैं. ओके, नाउ फॉर द सेकेंड स्ट्रिंग आई एम यूजिंग माई इंडेक्स फिंगर. See, and which part I am using? I am not using my nails again. I am just using this part, my fingertips. And for the first string, I am using my middle finger. And same, I am using, not using the nails. I am using the fingertips. So, जिनके पास ukulele, please ये try करो. और जिनके पास नहीं है, वो याद रखेंगे क्योंकि मैं last में भी ukulele suggest करूँगा. आप जब वो के लिए परचेस कर लोगे तो ये सारी चीजें आपको रिकॉल करनी है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेफ्ट हैंड. लेफ्ट हैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ukulele में बहुत कम नोट्स होती है, कम नोट्स होती है मतलब ukulele देखो छोटा सा होता है, चार ही स्ट्रिंग होती है. अब गिटार में छह स्ट्रिंग्स होती है, इतना बड़ा फ्रेटबोर्ड होता है, हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज होती है, राइट. मगर ukulele में हमारे पास बहुत शॉर्ट प्लेस होती है. स्ट्रम कैसे है, यस मैं स्ट्रमिंग में आता हूँ. उसके पहले हमें लेफ्ट हैंड में आएंगे ना, लेफ्ट हैंड में होल्ड करेंगे उसके बाद ही हम स्ट्रम करेंगे, नहीं तो हमें साउंड तो ऐसे ही मिलेंगे. ओके, लेफ्ट हैंड में पहले आते हैं. अब लेफ्ट हैंड कैसे होल्ड करना है, जैसे हम हैंड शेक करते हैं. सिंपली अगर हम मान लो लेफ्ट हैंड से हैंड शेक कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, लाइक दिस. सो जब हम ऐसे करते हैं तो देखो यहाँ एक राइट टिक का शेप बन रहा है या वी का सिंबल बन रहा है. सो इस सिंबल को उठा के हमें कहाँ रख देना है, सिंपली ukulele के कॉलर में. कॉलर क्या होता है, दिस फ्रेटबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड नेक एंड दिस इज द हेड. हेड और नेक के बीच में कॉलर आता है. सो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको जहां से मेरा फ्रेट चालू हो रहा है, इसे हम बोलते हैं कॉलर. यू हैव टू प्लेस योर ukulele हियर. So, देखो ये कैसा प्लेस हो रहा है, ये सिंपली मैंने यहाँ लिया और ukulele का कॉलर यहाँ प्लेस कर दिया, तो ये कैसा हो रहा है, ये मेरा ukulele का कॉलर दो जगह से टच हो रहा है. कौन सी, एक यहाँ से, एक यहाँ से. ये ऐसा कभी आप पूरा नहीं पकड़ोगे इसे, ये सिर्फ दो जगह से टच होगा. देखो बीच में मेरा गैप है, बीच में स्पेस है, ये सिंपली रख देना है. इसके बाद अपनी फिंगर्स को कैसे रखना है, फर्स्ट फ्रेट में. आप देखो हमें गिटार के लिए क्या करना होता है, बहुत फिंगर ऐसे स्ट्रेच करनी होती है क्योंकि गिटार के फ्रेट बहुत बड़े होते हैं. और ukulele के लिए आपको क्या करना है, आपको फिंगर स्ट्रेच नहीं करनी है, सिंपल ऐसे रखना है. फर्स्ट स्ट्रिंग की ही बात करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट में आपको अपनी इंडेक्स फिंगर रखनी है, लाइक दिस. मैंने क्या किया, सिंपली कॉलर में यहाँ प्लेस किया एंड सिंपली मैंने क्या कर दिया, यहाँ अपनी इंडेक्स फिंगर रख दी. अब मैंने इंडेक्स फिंगर कहाँ रखी है, ध्यान से देखो, मैंने रखी है फ्रेट वायर के जस्ट ऊपर. माई फिंगर इज नॉट टचिंग द फ्रेट वायर. There is a little gap between my index finger and the fret wire. See? Right? And मैंने कहां से प्रेस किया हुआ है, मैंने अपनी फिंगर टिप से प्रेस किया हुआ है. अगर ये आपको दिख रहा होगा, मैंने कहां से प्लेस किया हुआ है, अपनी फिंगर टिप से. मैंने नेल से ऐसे नहीं दबाया हुआ है, नेल से दबाएंगे तो हमारी स्ट्रिंग खराब हो जाएगी, टूट जाएगी. मैंने सिर्फ फिंगर टिप्स का यूज किया है. अभी तक हमने ukulele में नेल्स का बिल्कुल यूज नहीं किया है, ना राइट हैंड में ना लेफ्ट हैंड में. ओके, सिंपल ये अगर निशान दिख रहा होगा तो देखो
मैंने फिंगर टिप से यूज किया, आपका प्रेस किया हुआ है. नाउ सेम फॉर द सेकेंड फ्रेट, जस्ट प्लेस योर मिडिल फिंगर ऑन द सेकेंड बॉक्स, बट द सेम थिंग, फ्रेट वायर टच नहीं होगा. देर इज अ लिटिल गैप बिटवीन माई मिडिल फिंगर एंड द फ्रेट वायर ऑफ द सेकेंड फ्रेट. नाउ फॉर द थर्ड फ्रेट द सेम थिंग, my third finger, my ring finger is not touching the fret wire. There is a little gap. So this is the proper way. And all my fingers are maintaining a curved shape, means C shape. See, all my fingers are maintaining a C shape. ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं दबा रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ. This is the wrong way. देखो, ये simple C shape बना हुआ है मेरा. मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ. ये ऐसे नहीं रहेगा. Okay. So let's move towards the chords. We use ukulele mostly for playing the chords. And what are the chords? If I'm playing two or more string at the same time, when I play two or more string at the same time, and we get the sound of two or more string at the same time, means these are the chords. These are called chords. And you know, mostly ukulele is used for chords like. ukulele always sounds happy. Most of the time ukulele sounds happy. Hum ise isliye happy instrument bhi bolte hai, right? Now chords kya hote hai? Chords kya hote hai? When we want to sing along with the ukulele, then we always use chords like. सॉन्ग्स गा सकते हैं, है ना? आई एम नॉट अ सिंगर, बस मैं आपको बताने के लिए ट्राई कर रहा था. अब अपन आते हैं कॉर्ड्स की तरफ एंड स्ट्रमिंग पैटर्न्स की तरफ. उकेलेले में कॉर्ड्स इतने सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं. मींस इफ यू वांट टू प्ले द सी मेजर कॉर्ड इन गिटार, लेट मी शो यू हाउ इजी उकेलेले इज. If I want to play C major chord in guitar, what I have to do? I have to place my ring finger on the fifth string, my middle finger on the fourth string, my index finger on the second string. Then I will press them. And strings कितनी pass होती है गिटार की, तो हमारी फिंगर से दूसरी स्ट्रिंग टच नहीं होना चाहिए, बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए. इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, अच्छे से होल्ड करना है. Then I will check all the strings sounding good or not. Then I will strum it. This is the C major chord in guitar. Okay. And if I want to play C major in ukulele, how easy it is? I have to only place my ring finger on the third fret of the first string here, and I will strike it. How easy it is, right? I am only pressing one note, and I played all the strings open. It's very easy. It's very simple. इसलिए मैं बोलता हूँ ukulele बहुत simple instrument है अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो. Tuning is not happening. Can you guide in last again? Okay, Disha, I will guide you. No problem. So this is the C major chord. Now, mostly we use C major chord this pattern: C major, A minor, F major, and G major. मैं अभी बस बता रहा हूँ. मैं ऐसा नहीं आपको सिखा रहा हूँ. मैं बस आइडिया दे रहा हूँ. Okay. मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए. नाउ डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रमिंग पैटर्न है. राइट हैंड का जब मैं अप एंड डाउन कर रहा हूँ एंड मैं सारी स्ट्रिंग्स को स्ट्राइक करते हुए कर रहा हूँ, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रमिंग पैटर्न. नाउ प्लीज होल्ड द सी मेजर कॉर्ड एंड जस्ट वी आर गोइंग टू लर्न टू और थ्री सिंपल स्ट्रमिंग पैटर्न. वेरी इजी. सो फर्स्ट इज फोर डाउन स्ट्रोक्स, मीन्स डाउन 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 एंड डाउन. Thank you, Garima. So down, 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 down. This is the first strumming pattern, and it is very easy. Means you have to strike from the upper side, means fourth string to first string. Yes, sir. Thank you, Pradeep. So down, 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 down. उकेलेले में सिर्फ हम डाउन डाउन मार रहे हैं. कितना अच्छा साउंड कर रहा है. कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ एक स्ट्रिंग होल्ड की,
सिर्फ इतना करने से बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, आप इसमें भी कोई भी सॉन्ग गा सकते हो लाइक like this, इस स्ट्रमिंग में भी गा सकते हो, नो प्रॉब्लम, उकेलेले साउंड ही अच्छा करता है. नाउ सेकंड टॉपिक, सेकंड स्ट्रमिंग पैटर्न इज, ओके, सेकंड स्ट्रमिंग पैटर्न इज डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप. इट्स वेरी इजी. मैं देखो, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग अच्छा मींस प्ले कर लेते हो, मगर हम अभी सबको लेके चल रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ डेमो क्लास, यहाँ सबको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, ओके? इसलिए मैं सिंपल सिंपल वे में बता रहा हूँ. मास्टर क्लासेस में जब आप हम आएंगे, तब हम बहुत टेक्निकल वे में जाएंगे, बहुत सारी चीजें और सीखेंगे. सो डाउन अप, सिंपल है, डाउन अप, डाउन. व्हेन आई एम स्ट्राइकिंग डाउन मीन्स मैं ऊपर से जब नीचे स्ट्राइक कर रहा हूँ उसे डाउन बोलते हैं, और नीचे से जब ऊपर ले रहा हूँ अपने हैंड को स्ट्रिंग पे स्ट्राइक करते हो उसे अप बोलते हैं. वेरी इजी. डाउन अप, Now, एक लास्ट स्ट्रमिंग पैटर्न ले लेते हैं जो थोड़ा सा अच्छा लगे. डाउन डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप. ओके, सो आप ये घर में तीन स्ट्रमिंग पैटर्न सिंपली स्क्रीनशॉट ले लीजिए शेड बॉक्स का, ये तीन स्ट्रमिंग पैटर्न आप प्रैक्टिस कर लोगे सी मेजर में, ना सिर्फ सी मेजर में, हम बाद में और भी कॉर्ड्स की बात करेंगे. सो आप जब इसे बजाओगे डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन. ओके, नाउ सो हम मोस्टली तो ये हमें पता चल गया कि हम सिंगिंग के साथ उकेलेले का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा साउंड करता है, हमारी सिंगिंग को सपोर्ट करता है. बट इफ यू वांट टू प्ले लीडिंग्स ऑन उकेलेले, इट साउंड रियली वेल. अब लीडिंग की बात करते हैं, लीडिंग मींस जब हम ट्यून्स बजाते हैं. देखो, जब दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग में स्ट्राइक कर रहे हो इसे कॉर्ड बोलते हैं. लीडिंग किसे बोलते हैं? जब हम एक स्ट्रिंग को एक समय में स्ट्राइक कर रहे हो और हमें एक साउंड मिले. इसे हम लीडिंग बोलते हैं. ओके, सो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं फ्री स्टाइल प्ले कर रहा हूं, एंड हम इन मास्टर क्लासेस में इतना उकेलेले को सीख लेंगे कि आप फ्री स्टाइल कुछ भी प्ले कर लोगे. फ्री स्टाइल मींस यू आर गोइंग टू मेक कॉर्ड्स बाय योरसेल्फ. मैं अगर सारे कॉर्ड्स भी ना सिखाऊं और सिर्फ टेक्निक बता दूं कि हम कॉर्ड्स कैसे बनाते हैं, सो आप खुद से कॉर्ड्स बना लोगे. एंड जरूरी नहीं है कि कुछ गिने चुने कॉर्ड्स होते हैं, आप कॉर्ड्स बना सकते हो. लाइक दिस इज सी एंड आई, इफ आई एड जी विद इट, एक दूसरा कॉर्ड हो गया. सी का ही क्या बोलना चाहिए, एक सी का ही एक टाइप है, मगर ये दूसरा हो गया. इफ आई एड दिस नोट विद सी, ये कॉर्ड्स नहीं है, मगर मैं ऐड कर रहा हूं और मैं खुद से कॉर्ड्स बना रहा हूं. ओके, सो ये सारी चीजें हम मास्टर क्लासेस में सीखेंगे, क्योंकि वी डोंट हैव इनफ टाइम. लेट्स टॉक अबाउट अ लीडिंग, अब एक सॉन्ग लेते हैं कोई लीडिंग में. कॉर्ड्स में तो हमने ले लिया, कॉर्ड्स में हम गा सकते हैं. लीडिंग में क्या लेंगे, सॉन्ग था ये, फिर से एक बार.
सो सिंपली अभी मैंने क्या किया, मैंने सोचा और सिंपली यहाँ प्ले किया, क्यों फ्री स्टाइल मैंने प्ले किया राइट, सोच सोच के। सो मास्टर क्लासेस में हम इतनी सारी टेक्निक सीखने वाले हैं, और मैंने बताया था उकेलेले बहुत इजी इंस्ट्रूमेंट है, आप इजीली कोई भी सॉन्ग बजा सकते हो, कोई भी।